हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10, ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमने दो लेक्चर पढ़ लिए हैं, जिसके अंदर हमने हेमोस्टेटिक एजेंट्स की स्टडी की है। लोकल एजेंट्स को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है, और इससे जस्ट पिछले वीडियो के अंदर हमने विटामिन के बारे में डिटेल स्टडी की है, जो कि आपका सिस्टमिक एजेंट्स के अंदर आता है। तो अब हम पढ़ते हैं बाकी बचे हुए सिस्टमिक एजेंट्स के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आपकी फिब्रिनोजेन के साथ। ठीक है, ये क्या है सिस्टमिक एजेंट या हीमोस्टेटिक, आपकी थोड़ा इनके बारे में सुनिए। ये क्या है, आपके ऐसे एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई भी ब्लीडिंग है, तो उसको स्टॉप करने का काम करते हैं आपके हीमोस्टेटिक, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सिस्टमिक एजेंट्स के बारे में। सो फिब्रिनोजेन आपका क्या है, एक सिस्टमिक एजेंट है। फिब्रिनोजन क्या है, एक सिस्टमिक एजेंट है जो यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। ठीक है, कैसी ब्लीडिंग, जो आपकी एसोसिएटेड हो विद द हाइपो फिब्रिनोजेनीमिया। ठीक है, तो जो आपकी ऐसी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो आपकी किसकी कमी की वजह से हो। देखिए, फिब्रिनोजन क्या है, आपका एक तरीके का क्लोटिंग फैक्टर होता है। अगर आपको क्लोटिंग फैक्टर की डिटेल स्टडी करनी है, तो मैंने इनके बारे में एक वीडियो बना रखी है आपकी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बारे में। तो फिब्रिनोजन क्या है, आपका एक क्लोटिंग फैक्टर है। अगर उस क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर उसकी कमी हो जाती है, तो उसके लिए जो टर्म आप यूज़ करते हो वो क्या रहेगी, आपकी हाइपोफिब्रिनोजेनीमिया। ब्लड के अंदर जब फिब्रिनोजन का लेवल कम हो जाता है, तो ये क्लोटिंग फैक्टर है जो ब्लड को जमने में हेल्प करेगा। जब इसकी कमी हो जाएगी, तो बॉडी में क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसी ही ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फिब्रिनोजन का यूज़ करते हैं। और इसका जो रूट रहेगा, क्या रूट रहेगा आपका, इसको आप इन्फ्यूज़ करोगे इंट्रावेनसली। ठीक है, वेन के अंदर आप इसको क्या करोगे, एडमिनिस्टर करोगे। तो कैसी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए फिब्रिनोजन को आप दोगे, जब फिब्रिनोजन की ही कमी हो जाए आपके ब्लड के अंदर। तो ये था हमारा सेकेंड एजेंट। थर्ड एजेंट रहेगा हमारा एंटी हीमोफेलिक फैक्टर। ठीक है, एंटी हीमोफेलिक फैक्टर है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका एक क्लोटिंग फैक्टर होता है जो आपका नंबर 8 पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इट कंटेन द फैक्टर 8। ये आपका कब देखने को या किस कंडीशन में आप इसको यूज़ करते हो, यूज़ टू कंट्रोल द ब्लीडिंग एपिसोड्स इन द हीमोफेलिक्स। हीमोफीलिया एक्स क्या होते हैं आपके, वो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, ऐसे पेशेंट जो हीमोफीलिया से ग्रस्त हों। अब देखिए, हीमोफीलिया बीमारी क्या होती है, ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर जो आपके एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो वैसी ही कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप इस एजेंट को क्या करोगे, पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करोगे। इसका जो रूट रहेगा वो आपका आईवी इन्फ्यूजन रूट रहेगा। इसको आप इन्फ्यूजन पंप की हेल्प से क्या करोगे, एडमिनिस्टर करोगे पेशेंट के अंदर। इसको लेने के बाद जो एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं वो रहेंगे, आपके फीवर देखने को मिल सकता है पेशेंट को। कैसा फीवर रहेगा, जिसके अंदर पेशेंट को ठंड लगेगी। ठीक है, हेडेक देखने को मिल सकता है, और स्किन पे अलग अलग तरह के रैशेज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हीमोफीलिया क्या है, एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर आपके अब्सेंट रहेंगे, और उसको ट्रीट करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या दोगे, एंटी हीमोफेलिक फैक्टर दोगे। ठीक है, जो क्या है, एक हीमोस्टेटिक है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए दिया जाएगा। फोर्थ हमारा जो सिस्टमिक एजेंट रहेगा वो रहेगा एड्रेनोक्रोम मोनोसेमी कार्बाजोन। ठीक है, ये आपका दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, ओरल फॉर्म में भी और पेरेंट्रल फॉर्म में। यानी आप इसको टैबलेट्स की फॉर्म में भी ले सकते हो, प्लस में आप इसको इंजेक्शन की फॉर्म में भी दे सकते हो। ये आपका कैसी कंडीशन के अंदर यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है यूज़ टू कंट्रोल द कैपिलरी ओजिंग। ठीक है, अगर किसी कैपिलरी के अंदर कोई इसी तरह की कोई इंजरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बाहर ऊज आउट हो रहा है, ऊज आउट का मतलब निकल रहा है, तो वैसी चीज़ को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम इस एजेंट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसमें बताया है ब्लीडिंग का, जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जब कोई दांत निकाल रहे हो आप उस दौरान, या फिर एपिस्टेक्सिस की यानी नोज ब्लीडिंग के केस में भी आप क्या कर सकते हो, इस एजेंट को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका एजेंट रहेगा वो रहेगा इथमसाइलेट। ठीक है, ये आपका मोस्ट, मतलब अगर आप हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ वगैरह कर रहे हो तो आपने इसका नाम सुना भी होगा, इथमसाइलेट। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, आपका एक हीमोस्टेटिक एजेंट है। कैसे वाला, लोकल है या सिस्टमिक है, आप पढ़ रहे हो सिस्टमिक के अंदर। तो ये कैसा है, सिस्टमिक एजेंट है जो आपका
कितनी फॉर्म में अवेलेबल है, ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है, इंट्रा मस्कुलर फॉर्म में भी अवेलेबल है, और आपका आईवी यानी इंट्रा वेनस रूट में भी आपका ये अवेलेबल है। ठीक है, इसको आप कब यूज़ करते हो, इथमसाइलेट को किस तरह की ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप इसको यूज़ करोगे, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल्स। ठीक है, जब स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर किसी तरह की इंजरी या रप्चर हो जाए, तब वहाँ से ब्लीडिंग हो, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए या बचाने के लिए आप क्या करते हो, इथमसाइलेट का यूज़ करते हो। तो इसका एग्जांपल आपको बताया है टूथ एक्सट्रैक्शन और एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस आपको बताया नोज ब्लीडिंग होती है, और टूथ एक्सट्रैक्शन क्या होगा आपका, जब आप दांत निकलवा रहे हो तो ये आपका दांत कोई टूट जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो एजेंट है, तो नेक्स्ट हमारा जो एजेंट रहेगा वो रहेगा डेस्मोप्रेसिन। ठीक है, हमने पढ़ लिया इथमसाइलेट के बारे में। डेस्मोप्रेसिन देखिए क्या है, आपने वैसोप्रेसिन का नाम सुना होगा। वैसोप्रेसिन क्या होता है, आपका एक हार्मोन होता है एडीएच, आप इसको बोलते हो एडीएच, इसका दूसरा नाम होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका ये रिलीज होता है। तो देखिए डेस्मोप्रेसिन उसी की तरह से कोई चीज़ है। तो ये वैसोप्रेसिन तो नेचुरली आपकी बॉडी में मिलेगा, एक तरह का हार्मोन होता है, लेकिन जो डेस्मोप्रेसिन है वो क्या है, सिंथेटिक फॉर्म है। ठीक है, सिंथेटिक एनालॉग है वैसोप्रेसिन का। एनालॉग का मतलब उसी जैसी कोई एक चीज़ है, लेकिन कैसी है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड। ठीक है, ये क्या है, हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ है। तो उसके बाद देखिए ये किस तरह की ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, यूज टू कंट्रोल द ब्लीडिंग इन हीमोफीलियाज, यानी हीमोफीलिया के पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए डेस्मोप्रेसिन का यूज़ किया जाता है। और इसको किस रूट से इन्फ्यूज़ किया जाता है, इन्फ्यूज़ किया जाता है इंट्रावेनस रूट से, और बिल्कुल स्लो स्लो ये पेशेंट के अंदर आपने एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एजेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एजेंट है हमारा हीमोकोएगुलेज। ठीक है, हीमोकोएगुलेज क्या है आपका, देखिए एज इसके पीछे लगा है, और जिस भी चीज़ के पीछे एज लगा होता है तो वो एंजाइम के लिए होती है। और हीमो का मतलब यहाँ क्या है, ब्लड, कोएगुलेज का मतलब जो खून को जमाने में हेल्प करे। ठीक है, और एज लिखा हुआ है तो मतलब ये एंजाइम से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। तो ये क्या है आपका, इट इज़ एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या है, एंजाइम का बना हुआ किसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स है, आइसोलेट किया जाता है जो फ्रॉम द विनोम ऑफ बोथ्रोप्स एट्रोक्स। ठीक है, वाइपर नाम की एक चीज़ है जिससे ये क्या किया जाता है, उसके जहर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, किसके जहर से, बोथ्रोप्स एट्रोक्स के जहर से, विनोम से क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है किसको, हीमोकोएगुलेज एंजाइम को। ठीक है, इसका जो एक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ये क्या करता है, प्रमोट करता है कोएगुलेशन को बाय कन्वर्टिंग द फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। ठीक है, कोएगुलेशन यानी खून को जमाने की जो प्रोसेस है उसको आप क्या बोलते हो, कोएगुलेशन बोलते हो। तो कोएगुलेशन प्रोसेस को शुरू करता है बाय कन्वर्टिंग द फिब्रिनोजन। ठीक है, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करके किसके अंदर, फिब्रिन के अंदर। फिब्रिन आपको पता है लास्ट प्रोडक्ट होती है आपकी कोएगुलेशन की, तो फिब्रिनोजन को फटाफट फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा ये। और रूट इसका देखिए क्या रहेगा आपका, हीमोकोएगुलेज का टॉपिकल, यानी आप इसको एज लोकल एजेंट भी यूज कर सकते हो, आपने पढ़ा भी है लोकल एजेंट के अंदर भी इसका नाम आता है, और आपका सिस्टमिक एजेंट के अंदर भी इसका नाम आता है। तो ये टॉपिकल आप यूज़ कर सकते हो, इंट्रावेनस रूट से आप इसको यूज़ कर सकते हो, इंट्रा मस्कुलर रूट से आप इसको यूज़ कर सकते हो, और सबक्यूटेनियस रूट से भी आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारे जो सिस्टमिक एजेंट्स हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। तो देखिए यही थे हमारे सिस्टमिक एजेंट। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा आपका एंटी कोएगुलेंट्स के बारे में। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।